गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सबको होली की ढेरों बधाइयाँ। और आज का वीडियो होने वाला है एक रेसिपी वीडियो, तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे मैंने रूह फिश लिया है। बेसिकली ये डिश ना कलकत्ता और वेस्ट बंगाल का स्पेशल डिश है, तो थोड़ा सा हल्दी और नमक के साथ इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी थोड़ी देर, एक दो मिनट, ताकि नमक और जो हल्दी है अच्छे से फिश के अंदर चला जाए। तो फिर इसको पैन लेके उसको मतलब थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी सरसों के ऑयल के साथ। तो ज़्यादा फ्राई मत कीजिए, नहीं तो उसका टेस्ट चला जाएगा। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद उसको मैं उठा लूँगी। और ये डिश ना मतलब बांग्लादेश का जो सिलेट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी खाया जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ पे मैं पालक का साग यूज़ किया है। कोई कोई ना इसको मतलब सरसों के साग के साथ भी बनाता है। तो पालक को मैंने अच्छे से धो के ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। कोई मतलब अगर सरसों का साग हो तो आप छोटे छोटे पीसेस में कट कीजिए, बिकॉज पालक है तो बहुत सॉफ्ट है, पानी छोड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे बचा हुआ सरसों का तेल मैंने यूज़ किया है। और जो मतलब अगर कम पड़े तो थोड़ा सा और ले लीजिए, फिर कलौंजी का फोड़न दीजिए और उसको उस पर पालक डाल के थोड़ा सा हल्दी नमक और कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल के थोड़ा सा उसको फ्राई कर लेंगे। और एक दो मिनट हम ऐसे ही कम आँच पे उसको ढक के रखेंगे ताकि पालक पानी छोड़े। डिश ना गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, बिकॉज गर्मी में हम ज़्यादा मसाला खाए तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। तो ये बहुत ही कम मसाले के साथ बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बहुत ही हेल्दी डिश है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी तो गर्मी का मौसम आ रहा है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। तो देखिए पालक मेरा थोड़ा थोड़ा सा पानी छोड़ रहा है, तो मैं इसको अभी मतलब एकदम कम आँच पे ढक के दो तीन मिनट रख दूँगी ताकि पालक पूरा पानी छोड़े। तो उसके बाद देखिए दो तीन मिनट के बाद पालक पूरा एकदम पानी छोड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अभी मैं उसको गैस को पूरा एकदम फुल आँच पे चढ़ा दूँगी ताकि पानी पूरा सूख जाए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, पूरा पानी पानी हो जाएगा। देखिए मैंने पानी पूरा सूख गया है यहाँ का पालक का। और अभी मैंने सरसों का और खसखस का जो पेस्ट बनाया था वो मैं अभी इसको यूज़ करूँगी और इसको मतलब डाल के अच्छे से मिला दूँगी। और देखिए कितना सुंदर और प्यारा सा एक कलर आया है इसका, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी आता है। जो खसखस का जो टेस्ट है वो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और साथ में थोड़ा सा मस्टर्ड सीड मिल जाए तो क्या मतलब क्या कहना। तो फिर उसके बाद अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी मिला दूँगी। और ये पानी ना आप मतलब जिस बाउल में खसखस को मतलब मिलाए थे उसका भी पानी थोड़ा सा ऐड कीजिए, और ऐसे भी पानी आप ऐड कर सकते हैं। तो फिर इसको अच्छे से मिलाइए और उबाल आने तक वेट कीजिए। देखिए मेरे पालक पे पूरा उबाल आ गया है। 5 मिनट ऐसे उबाल आने के बाद मैं अभी यहाँ पे फ़िश डालूँगी, रूह फिश जो मैंने पीसेस में कट करके रखा था फ्राई करके, उसको मैं डालूँगी। उसके बाद फिर से 5 मिनट बॉयल करने दूँगी उसको। और अभी मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा रेड चिली आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप ग्रीन चिली को अच्छे से मिडिल में कट करके यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन चिली का एक स्मेल होता है जो सरसों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, ग्रीन चिली का टेस्ट। तो ग्रीन चिली का टेस्ट भी मतलब ग्रीन चिली आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक को अच्छे से कट कर लिया है, बहुत ही हल्का सा कट करके फिर इसको यूज़ किया है। आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना ही तीखा लीजिए। तो लीजिए बन गया मेरा फ़िश पालक करी, बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आता है इसका। बांग्लादेश का जो सिलेट डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली उस डिस्ट्रिक्ट का ये स्पेशल डिश है, लेकिन बंगाल में सब लोग खाते हैं। और चावल और स्टिकी राइस और नॉर्मल राइस के साथ ही खाया जाता है, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन राइस के साथ इसका टेस्ट ज़्यादा आता है। बहुत ही हल्का सा और हेल्दी सा एक डिश है, तो आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए, तो अच्छा लगेगा मुझे, मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, रेसिपी वीडियो में, ब्लॉग में, तो बने रहिए मेरे साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू।